आज का वीडियो ग्राम रक्षा दल का गठन का वीडियो आप सब तक पहुँचा रहे। इस वीडियो के साथ आप लगातार बने, इस वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं ग्राम रक्षा दल का मीटिंग हाई स्कूल टिंद्रंगा दियारा के प्रांगण में हुआ, आपको दिखाते हैं इस वीडियो के साथ जानकारी। इस वीडियो के साथ लीजिए नमस्कार, प्रत्येक खबर के साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद। ये ग्राम रक्षा दल का सम्मानित किए वीरेंद्र सर और ग्राम रक्षा दल में आज मीटिंग रखा, आप देख रहे इस वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित है सभी दल के समूह के साथ, आप लगातार जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। लोग कभी मिटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता है, हम तो यही कहें कभी मिटना नहीं चाहिए। नमस्कार, प्रत्येक खबर के साथ आप जुड़ रहे हैं लाइव वीडियो के साथ। टिंडंगा हाई स्कूल में चल रहा है ग्राम रक्षा दल का मिशन, आप इस वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए। और यहां पर उपस्थित है सभी रक्षा दल के सभी समूह और आप बात करते हैं सर से। सर, ये रक्षा दल का जो मिशन चल रहा है इसका मुद्दा क्या है सर? ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया और ये वर्ष 2006 से पुनः बिहार में लागू किया गया, वैसे क्षेत्र जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और पुनः जो है ये बिहार के समस्त पंचायत जिला में ये लागू किया। ग्राम सदस्य सब पुलिस का काम है कि रात संध्या प्रहरी करना, जुवाबंदी में सहयोग करना, माननीय नीति से या जो भी सरकार जिनकी सरकार होती है शराबबंदी दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे कामों में सहयोग प्रदान करते हैं और प्रदान करने के साथ साथ सुशासन विधि व्यवस्था में इनका अहम भूमिका है। और ग्राम सदल की जो अपनी मांगों को लेकर आज की जो बैठक की गई है ये 2012 से 2007 से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये लोग अपनी मांगे जो है मानदेय एवं स्थायीकरण को लेकर लगातार हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से पक्ष विपक्ष से मुलाकात करके और अपनी मांग को लेकर बड़े पदाधिकारी बड़े मंत्री महोदय से हम लोग ज्ञापन मांग अपनी मांग को लेकर रखते हैं और इसी के लेकर आज हम लोग एक समीक्षा बैठक किए थे इस कोरोना प्रोटोकॉल में। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं मास्क है मेरे पास भी लगा हुआ है लेकिन आपसे बात करने के लिए रूबरू होना भी जरूरी है। अगर सर इस संगठन में जुड़ना चाहेगा युवा लोग तो किस माध्यम से जुटेगा? देखिए, सबसे पहला नंबर इसका जुड़ने का जो सिलसिला है वो थाना के प्रभारी के द्वारा जोड़ा जाता है, ये जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक निर्देश लेटर आता है, जैसे भी सीतामढ़ी में आ चुका है, सीतामढ़ी में नया स्तर से गठन किया जा रहा है और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं थाना प्रभारी के द्वारा ही उस लड़के को चिन्हित किया जाता है तब इस पर जुड़ा जाता है। और सर, पंचायत सरकार के द्वारा भी कुछ सुझाव नहीं है? ये प्रॉपर पंचायत राज के ही अधीनस्थ है लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग करता है जिला पुलिस अधीक्षक जी करते हैं और पंचायत क्षेत्र में थाना प्रभारी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इसका जो गठन होता है वह बिहार सरकार के निर्देश पर किया गया था और पुनः जो है बार बार हर 5 वर्षीय योजना के तहत इसकी गठन होती है। फिलहाल अभी सीतामढ़ी में भी इसका गठन प्रारंभ शुरुआत है। पुणे सर, अब फिर गठन कब होगा सर इसका? देखिए, ये 5 वर्षीय अभी तो खास करके भागलपुर जिला में है, भागलपुर जिला में 2007 में हुआ, 2015 में 5-12 में हुआ, फिर 15 में हुआ और उम्मीदता है कि 2021 जो भी समाप्त हुआ उम्मीदता है कि मार्च के बाद पुनः गठित किया जा सकता है, ये संभावित है। और सर आगे मीटिंग कब है? देखिए, मीटिंग तो सर्कुलर होते ही रहता है, जब हम अपने आंदोलन की बात होता है, जब सरकार की कुछ ऐसा निर्देश दिया जाता है तो हम लोग का साप्ताहिक मीटिंग हमेशा चलता रहता है, साप्ताहिक मीटिंग मासिक मीटिंग जो हम लोग का होते रहता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रत्येक खबर के साथ आप जुड़े और ग्राम रक्षा दल का जानकारी इस वीडियो के साथ लगातार जुड़ते रहिए। अगले वीडियो के साथ पुनः आप सब के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रत्येक खबर के साथ मैं करुण बिहारी कालीनगर बिहार से।